गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 11 के 36 टू 50 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? 36 टू 50 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे वर्कशीट 11 की। तो वर्कशीट 11 हमारी कौन सी थी? यूज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लेट। तो हम क्या सीख रहे थे? तो बच्चों, हम वर्कशीट 11 में लेट का यूज सीख रहे थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो आज हम 36 से 50 तक के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 36 नंबर पे जो सेंटेंस है वो क्या है? उन्हें हमेशा स्वस्थ बने रहने दो। तो जो भी व्यक्ति है उसे हमेशा कैसा रहने दो? स्वस्थ बने रहने दो। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट, फिर बताइए उन्हें। तो लेट देम, लेट देम, उन्हें दो, बने रहने। तो बने रहने के लिए क्या आएगा बताइए? रिमेन। पर उन्हें हमेशा बने रहने दो। तो लेट देम ऑलवेज, क्या आएगा बच्चों पहले? ऑलवेज। लेट देम ऑलवेज रिमेन। रिमेन की स्पेलिंग बताइए क्या होती है मुझे? आर ई एम ए आई एन। तो क्या हुआ? लेट देम ऑलवेज रिमेन। फिर बताइए क्या आएगा? हेल्दी। बताइए क्या आएगा बच्चों? हेल्दी, एच ई ए एल टी एच वाई। आपको क्या समझ में आया बताइए मुझे? लेट देम ऑलवेज रिमेन हेल्दी मतलब उन्हें दो, लेट देम हमेशा बने रहने, उन्हें दो हमेशा बने रहने। लेट देम ऑलवेज रिमेन क्या? स्वस्थ। तो आएगा हेल्दी। तो क्या हुआ बच्चों? लेट देम ऑलवेज रिमेन हेल्दी मतलब उन्हें हमेशा स्वस्थ बने रहने दो। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? चलो पुराने दिनों को याद करें। अब आपको ये पता ही है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? चलो से। तो क्या लगाएंगे हम? लेट अस। अगर कभी भी चलो आएगा उसमें हम आए या फिर ना आए, हम चलो के लिए एक ही मीनिंग लगाएंगे, लेट अस। क्या लगाएंगे? लेट अस। तो लेट अस फिर बताइए याद करें। याद करने की क्या होती है? रिमेम्बर, आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेम्बर। लेट अस रिमेम्बर। फिर क्या होगा? याद करें हो गया। किसको याद करना है? पुराने दिनों को। तो ओल्ड डेज, डी ए वाई एस। तो क्या हो गया बच्चों? लेट अस रिमेम्बर ओल्ड डेज मतलब चलो पुराने दिनों को याद करें। उसके बाद जो हमारा 38 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? चलो घर की मरम्मत करें। क्या है बच्चों? चलो घर की मरम्मत करें। तो घर की मरम्मत करें, तो सबसे पहले क्या लगा है? चलो। उसके लिए क्या आएगा? लेट अस। क्या करने के लिए? घर की मरम्मत करें। तो मरम्मत करने की क्या होती है बच्चों? रिपेयर। तो आर ई पी ए आई आर, लेट अस रिपेयर, चलो मरम्मत करें। अब किसकी मरम्मत करनी है हमको? घर की मरम्मत करनी है। तो क्या आएगा बच्चों बताइए जल्दी से? हाउस। तो क्या हो गया बताइए पूरा सेंटेंस? लेट अस रिपेयर द हाउस या लेट अस रिपेयर हाउस मतलब चलो घर की मरम्मत करें। उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है बताइए? उसे धन की जरूरत होने दो। क्या होने दो बच्चों? उसे धन की जरूरत होने दो। तो कैसे बनाओगे आप? उसे दो। तो लेट, बताइए फिर क्या लगाओगे आप? हिम, लेट हिम, जरूरत होने के लिए रिक्वायर, जरूरत होने दो रिक्वायर। तो रिक्वायर की लगाइए आर ई क्यू यू आई आर ई। रिक्वायर की स्पेलिंग क्या होती है? आर ई क्यू यू आई आर ई। फिर किसकी जरूरत होने दो? धन की जरूरत होने दो। तो लेट हिम रिक्वायर द मनी, एम ओ एन ई वाई। समझ आया क्या हुआ? लेट हिम रिक्वायर द मनी। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? बच्चों को बड़ों का आदर करने दो। बच्चों को बड़ों का आदर
करने दो, तो बच्चे को बड़ों का आदर करने दो, तो बच्चों पहले आएगा लेट, फिर लेट द चाइल्ड या लेट चाइल्ड, आप दोनों लगा सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, लेट द चाइल्ड, फिर बड़ों का आदर करने दो, तो आदर करने की क्या होती है बच्चों, रेस्पेक्ट, तो लेट द चाइल्ड रेस्पेक्ट, आर ई एस पी ई सी पी, किसका, बड़ों का, तो रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ई एल डी ई आर एस, तो क्या बन गया बच्चों, लेट द चाइल्ड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, मतलब बच्चे को बड़ों का आदर करने दो। उसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो क्या है, अध्यापक को पाठ दोहराने दो, अध्यापक को क्या करने दो बच्चों, पाठ दोहराने दो, तो पहले क्या आएगा लेट, फिर क्या आएगा द टीचर, लेट द टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, लेट द टीचर, इसमें वर्ब क्या है दोहराना, तो क्या आएगा रिवाइज, क्या आएगा बताइए जल्दी से, रिवाइज, आर ई वी आई एस आई, क्या होगा आर ई वी आई एस ई, रिवाइज द लेसन, एल ई डबल एस ओ एन, तो पाठ की क्या आएगी लेसन, लेट द टीचर मतलब अध्यापक को दो, क्या दोहराने, तो रिवाइज, क्या दोहराने दो, चैप्टर मतलब पाठ, तो लेसन, तो क्या हो गया लेट द टीचर रिवाइज द लेसन, मतलब अध्यापक को पाठ दोहराने दो। चलिए बच्चों अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं, तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा, तो 42 नंबर का जो बच्चों सेंटेंस है वो क्या है, मेरे बेटे को हाथी की सवारी करने दो, क्या करने दो, मेरे बेटे को हाथी की सवारी करने दो, तो दो लेट मेरे बेटे को, तो लेट माय सन, लेट माय सन, फिर क्या करने दो, सवारी करने दो, तो लेट माय सन राइड, आर आई डी ई, फिर आगे बताइए क्या आएगा, किसकी सवारी करने दो, हाथी की, तो लेट माय सन राइड द एलिफेंट, राइड द एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, क्या बना, लेट द सन राइड द एलिफेंट, मतलब मेरे बेटे को हाथी की सवारी करने दो, क्या बना बच्चों, मेरे बेटे को हाथी की सवारी करने दो, क्या बना लेट माय सन राइड द एलिफेंट। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है आपका बताइए, 43 नंबर पे जो हमारा सेंटेंस है वो है, बेटी को सुबह जल्दी उठने दो, क्या है, बेटी को सुबह जल्दी उठने दो, तो क्या आएगा बताइए, पहले बेटी दो है ना, तो लेट द डॉटर या फिर लेट डॉटर, तो लेट द डॉटर, डी ए यू जी एच टी ई आर, ठीक है, फिर उसके बाद उठने दो, तो उठने की क्या होती है राइज, आर आई एस ई, फिर कब उठने दो, जल्दी उठने दो, कब उठने दो, जल्दी उठने दो, इन द मॉर्निंग, तो राइज इन द मॉर्निंग, सुबह उठना है ना उसे, मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, तो क्या हुआ बच्चों कि लेट द डॉटर राइज इन द मॉर्निंग, मतलब लड़की को, मतलब मेरी बेटी को सुबह जल्दी उठने दो, बेटी को सुबह जल्दी उठने दो, लेट द डॉटर राइज इन द मॉर्निंग, एक बार फिर से बोलिए, बेटी को सुबह जल्दी उठने दो, क्या बना लेट द डॉटर राइज इन द मॉर्निंग। उसके बाद जो हमारा 44 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, आदमी को तालाब में नाव चलाने दो, आदमी को क्या करने दो, तालाब में नाव चलाने दो, तो क्या बनाएंगे बताइए, पहले आदमी को दो, तो लेट द मैन, ठीक है, क्या करने दो, चलाने दो, तो रो आर ओ डब्लू, क्या चलाने दो, नाव, तो रो द बोट या रो बोट, ठीक है, लेट द मैन रो बोट, मतलब क्या हुआ, आदमी को नाव चलाने दो, अब कहां नाव चलाने दो,
तालाब में, तो क्या आएगा बच्चों, इन द पॉन्ड, है ना। तो क्या बन गया, लेट द मैन बोट, लेट द मैन रो बोट इन द पॉन्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हमारा 45 नंबर का सेंटेंस है वो देखते हैं। तो 45 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ने दो। क्या है, खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ने दो। तो कैसे बनाएंगे बताइए, लेट द प्लेयर्स, लेट द प्लेयर्स पी एल ए वाई ई आर एस, तो लेट द प्लेयर्स क्या करने दो, दौड़ने दो, तो क्या आएगा रन, लेट द प्लेयर्स रन। अब कहां दौड़ने दो, मैदान में, तो इन द फील्ड, इन द फील्ड एफ आई ई एल डी, तो क्या बना बच्चों, लेट द प्लेयर्स रन इन द फील्ड, मतलब क्या हुआ, खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ने दो। चलिए उसके बाद जो आपका 46 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, लोगों को पेड़ों को बचाने दो। क्या करना चाहिए, लोगों को पेड़ों को बचाने देना चाहिए, हमें भी पेड़ नहीं काटने चाहिए और किसी को भी काटने भी नहीं देने चाहिए। तो क्या हुआ बच्चों, लोगों को पेड़ों को बचाने दो, तो कैसे बनाएंगे बताइए मुझे, लेट द पीपल, लेट द पीपल, फिर बताइए अब क्या आएगा, अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, बचाना, तो क्या आएगा, सेव, एस ए वी ई, तो लेट द पीपल सेव, मतलब लोगों को बचाने दो। अब बताइए किसको बचाने दो, बताइए जल्दी किसको बचाने दो, तो पेड़ों को बचाने दो, तो क्या आएगा बताइए, जल्दी बता दीजिए, ट्रीज टी आर डबल ई एस, क्या बन गया, लेट द पीपल सेव ट्रीज, मतलब क्या हुआ, लोगों को पेड़ों को बचाने दो, लेट द पीपल सेव ट्रीज। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारा 47 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, मुझे ना कहने दो, मुझे क्या कहने दो, मुझे ना कहने दो, मैं कुछ काम करना नहीं चाहती हूँ, तो मेरा भाई बोल रहा है हाँ बोल दे हाँ बोल दे, मैंने क्या बोला, मुझे ना कहने दो, क्योंकि मुझे वो काम नहीं करना है, इसीलिए मुझे क्या कहने दो, ना कहने दो। तो सबसे पहले लेट, फिर मी, मुझे दो ना क्या कहने, इसमें जो वर्ब है हमारी वो है से, तो लेट मी से, मुझे कहने दो, क्या कहने दो, नो, तो लेट मी से नो, मतलब क्या हुआ बच्चों, मुझे ना कहने दो, लेट मी से नो, मुझे ना कहने दो। चलिए उसके बाद हमारा जो 48 नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो जो हमारा 48 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है बताइए मुझे, शिक्षक को डराने दो, शिक्षक को क्या करने दो, डराने दो, वो किसी बच्चे को डरा रहे हैं, तो कोई दूसरा बच्चा कह रहा है शिक्षक को डराने दो, तो क्या बनेगा बच्चों, लेट, फिर लेट द टीचर, लेट द टीचर टी ई ए सी एच ई आर, लेट द टीचर, अब क्या करने दो, शिक्षक को डराने दो, तो यहां पर वर्ब है डराना, तो क्या आएगा, लेट द टीचर स्केयर एस सी ए आर ई, तो मतलब शिक्षक को डराने दो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 49 नंबर का सेंटेंस क्या है बताइए मुझे, मुझे गूगल पर खोजने दो, मुझे गूगल पर खोजने दो, तो आपको पता ही है कि लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लेट आता है, उसके बाद मी अस हिम हर देम ऐसे कुछ आता है, या फिर कोई नाउन आती है, उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आता है बताइए मुझे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आता है, तो इसमें क्या से लगेगा बताइए, पहले आएगा दो, फिर यहां पर क्या है मुझे, तो आएगा मी, अब क्या आएगी वर्ब आएगी, वर्ब क्या है इसमें, खोजना, खोजने की क्या होती है सर्च, एस ई ए आर सी एच सर्च, एस ई ए आर सी एच सर्च, क्या खोजने दो, गूगल पर खोजने दो, किस पर खोजने दो, गूगल पर खोजने दो, तो
लेट मी सर्च, मुझे खोजने दो, किस पर? गूगल पर। तो ऑन द गूगल, बच्चों गूगल का जो जी बनाओगे आप वो कैसा बनाओगे? कैपिटल बनाओगे। ओके, गूगल का जी कैसा बनाएंगे आप लोग? कैपिटल बनाएंगे। समझ आया? तो क्या बना? मुझे गूगल पर खोजने दो, लेट मी सर्च ऑन द गूगल, मुझे गूगल पर खोजने दो, क्या बना? लेट मी सर्च ऑन द गूगल। चलिए उसके बाद जो हमारा 50 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? मुझे घड़ी देखने दो। क्या है? मुझे घड़ी देखने दो। तो लेट मी सी, लेट मी सी, देखने की क्या होती है? सी होती है ना, तो लेट मी सी, मुझे देखने दो। क्या देखने दो? घड़ी देखने दो। तो द वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, क्या हो गया बच्चों? लेट मी सी द वॉच, मतलब मुझे घड़ी देखने दो। क्या हुआ? लेट मी सी द वॉच, मतलब मुझे घड़ी देखने दो। तो बच्चों आपको 36 टू 50 सेंटेंसेस समझ आए? बताइए मुझे, आपको 31 टू 50 सेंटेंसेस समझ आए? तो बच्चों आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपको ट्रांसलेशन की नोटबुक में वर्कशीट 11 के 36 टू 50 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में लिखना है। ओके, और बच्चों आप मुझे ये बताइए, आपको वर्कशीट 11 अच्छे से समझ आ गई कि हम लेट का यूज कैसे करते हैं? आपको पता चला ना कि लेट का यूज कब और क्यों किया जाता है? चलिए तो बच्चों आज आपका होमवर्क क्या है बताइए जल्दी से मुझे। आज आपका होमवर्क है आपको वर्कशीट 11 के 36 टू 50 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में करनी है, है ना? क्या करना है आपको? वर्कशीट 11 के 36 टू 50 सेंटेंस क्या करने हैं? ट्रांसलेशन की नोटबुक पे करने हैं। और बच्चों आप पहले क्या करेंगे? आप पहले वर्ब सेट भी लर्न करेंगे। जिस वर्ब सेट के ये सेंटेंसेस हैं आपको क्या करना है? उस वर्ब सेट को भी लर्न करना है। समझ आया आपको? बताइए मुझे ये कौन सी वर्ब सेट के सेंटेंसेस हैं, बताइए जल्दी से मुझे, बताइए। वर्ब सेट 3, तो आप पहले वर्ब सेट 3 लर्न करेंगे, उसके बाद इन सेंटेंसेस को भी बनाएंगे। ओके, चलिए आपको समझ आई मेरी बात? चलिए गुड बाय।